सत श्रीकाल पीडीसी न्यूज वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं थोड़े नाल मनप्रीत कौर लैके हाजिर हाँ बुलेटिन खबर पंजाब। तमाम वड्डियां खबरां ते नजर पावांगे। उस तों पहला गल करांगे अदाकारा शहनाज गिल दे पिता नूं मिली धमकी दी। दस दिए कि शहनाज गिल दे पिता संतोख सिंह ने हुण पंजाब नूं असुरक्षित दस दिता है। जी हाँ, उन्होंने वालों एक वड्डा बयान दिता गया है कि जे कुछ दिनों दे विच मुलजमां दी गिरफ्तारी ना हुई तां पंजाब छड्ड देंगा। शहनाज गिल दे पिता ने खुद नूं हिंदू होण दे चलदिआं इह खतरा भी दस्सिआ है कि मैनूं टारगेट कीता जा रिहा है क्योंकि मैं एक हिंदू लीडर हाँ। शहनाज गिल दे पिता ने पंजाब छड्ड के मुंबई जा वसण दी भी इच्छा प्रगटाई है। दिवाली तो पहलां जानों मारन की धमकी जो है वह मिली सी। दस दिए कि विदेशी नंबर तो फोन करके जानों मारन की धमकी दी गई सी। पुलिस ने हुण मामले की डूंघाई दे नाल जांच का भरोसा दिता है, पर हुण इस मामले दे विच खास तौर पर शहनाज गिल दे पिता यह कह रहे हैं कि जेकर कुछ दिनों च मुलजमान की गिरफ्तारी नहीं होंगी तो उन्होंने पंजाब छड़ना पड़ेगा। शहनाज गिल के पिता संतोख सिंह ने पंजाब को असुरक्षित दस दिता है। सो वाकई ही वड्डी चिंता का विषय जो है वह बनता जा रहा है। अदाकारा शहनाज गिल के पिता को धमकी मिली है। धमकी मिलने के मामले तो बाद उन्होंने पंजाब को असुरक्षित दसदिया कहा कि जे कुछ दिनों मुलजमान की गिरफ्तारी नहीं होंगी तो उन्होंने पंजाब छड़ना पड़ेगा। कॉल आती है 1:15 बजे जो अपने आप को हैप्पी ना दस रहा, जानों मारनियां धमकियां दे रहा, कभी कह रहा गोलियां मार के मारांगे, कभी कह रहा दातरां नाल टुकांगे, कभी कह रहा गला घुट के मारांगे। वो पुछण दे बावजूद कौन आ हैप्पी कौन आ तू, वह कहिंदा जी जदों असीं तुहानूं मिलांगे बस तुहाडा भोग ही पावांगे, घरे आके तुहाडे मारांगे, इस तरह दीआं गल्लां होईआं। उहदे सिलसिले दे विच असीं अज SSP साहब नूं अज एप्लीकेशन देण आए हां कि मरना एक दिन सारिआं ने, लेकिन कोई ये नहीं चाहुंदा कि अपने परिवार का कोई नुकसान होवे। मैं वेखांगा अगर मैनू लगा दोवां तिना दिनों के विच कि मैं अपने आप को सेफ महसूस कर रहा, अगर मैं अनसेफ महसूस करदा जिस तरह हुण कर रहा, मैं दोवां तिना दिनों के विच पंजाब छड्ड के शायद चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाए जां बॉम्बे शिफ्ट हो जाए, मैं पंजाब छड्ड दांगा। पुलिस वालों डूंघाई दे नाल मामले की जांच की गल आखी गई है। दस दिए कि दिवाली तो पहला पहला जानों मारन की धमकी दी गई सी। विदेशी नंबर तो एक फोन कॉल आई है जिस दे राही जानों मारन की धमकी शहनाज गिल के पिता संतोख सिंह मिली है। तो ऐसे लैके उन्हें अपनी जान को खतरा दसिया है। सीधा कहा कि मैनू टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मैं एक हिंदू लीडर हाँ। नाल ही उन्होंने वालों भी कहा गया कि पंजाब वो अनसेफ महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने मुंबई जाके वसना पै सकता है। दिवाली तो पहला पहला जानों मारन की मिली इस धमकी तो बाद कई तरह के सवाल जो ने उठते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले के विच पुलिस डूंघाई के नाल जांच करन दा भरोसा दे रही है। मनिंदर मोंगा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, ज़्यादा जानकारी ले लैंदे हां। मनिंदर वाके दे विच कुल मिला के जिथे सिद्धू मूसेवाला का कतल केस सामने आता उस बाद हुण धमकियां लगातार मिल रही ने, गैंगस्टर के नाम लैके भी धमकियां दित्तियां जा रही ने, हुण शहनाज गिल के पिता को धमकी मिल रही है, की कुछ जानकारी है? देखो 25 सितंबर 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਖ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ 5 ਵਾਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤਰਨ ਤਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਦੁੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
और ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ जी शुक्रिया मनिंदर तमाम जानकारी लिए। सो बिल्कुल चिंता जो है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है क्योंकि पंजाब में असुरक्षित करार दे दिया गया।